उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में चैन स्नैचिंग की 3 घटनाएं बीते दिनों सामने आई। इस चैन स्नैचिंग गिरोह के 2 चोर पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं, लेकिन मामले में हैरानी की बात देखिए कि ये चोर कावड़ियों के भेष में घूम रहे थे। घटना को अंजाम देने के बाद ये लोग कावड़ियों की भीड़ में आगे बढ़ जाते थे। इन आरोपियों के कब्जे से 2 सोने की चैन बरामद की गई है, साथ में एक मोटरसाइकिल को भी बरामद किया था जिस पर ये इस घटना को अंजाम देते थे। ये दोनों आरोपी पेशेवर चोर हैं और इनके खिलाफ न केवल देहरादून बल्कि अन्य जिलों में भी लूट के मामले दर्ज किए गए हैं। ये दोनों थाना लक्सर जनपद हरिद्वार के रहने वाले हैं। एक का नाम गुरमीत है तो दूसरे का नाम विजेंदर। कावड़ के दौरान इसमें एक गैंग इसमें सक्रिय हुआ था जो लक्सर का था, और इसके द्वारा विगत एक सप्ताह के अंदर जो कावड़ का जो पीक पीरियड चल रहा था, जैसे 27 तारीख को इन्होंने पिछले माह की 27 तारीख को डोईवाला में चेन स्नैचिंग करी थी, उसकी घटना की रिपोर्ट तत्काल दर्ज हुई। इसके बाद जब डाक कावड़ पीक पे चल रहा था और इस दौरान काफी सारी बाइक हजारों के लाखों की संख्या में जा रही थी, उसी का फायदा उठाकर ये अभियुक्तगढ़ जो एक गैंग था जो 4 लोग शामिल थे, इसमें यहाँ पर नेहरू कॉलोनी में एक महिला की 1 तारीख को चेन स्नैचिंग करी और 2 तारीख को रायवाला में करी। चूंकि उस दौरान पीक का कावड़ था और चेकिंग वगैरह संभव नहीं थी, लेकिन अभियुक्तगढ़ों की शिनाख्त की गई, टीम इसमें लगातार काम कर रही थी, 2-3 थाने की हमारी लगी थी और इसमें 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें एक का नाम गुरमीत है और एक विजेंदर है जो इन घटनाओं में शामिल है। इनसे नेहरू कॉलोनी और रायवाला की जो चेन लूटी गई थी वो बरामद हो गई है। इसमें 2 अन्य लोग प्रकाश में आए हैं जो साथ में इनके बदल बदल के टीम में आते थे, उनके लिए दबिश के लिए हमारी टीम में लगी हुई है, उनको भी तत्काल गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कावड़ के दौरान इसमें एक गैंग इसमें सक्रिय हुआ था जो लक्सर का था, और इसके द्वारा विगत एक सप्ताह के अंदर जो कावड़ का जो पीक पीरियड चल रहा था, जैसे 27 तारीख को इन्होंने पिछले माह की 27 तारीख को डोईवाला में चेन स्नैचिंग करी थी, उसकी घटना की रिपोर्ट तत्काल दर्ज हुई। इसके बाद जब डाक कावड़ पीक पे चल रहा था और इस दौरान काफी सारी बाइक हजारों के लाखों की संख्या में जा रही थी, उसी का फायदा उठाकर ये अभियुक्तगढ़ जो एक गैंग था जो 4 लोग शामिल थे, इसमें यहाँ पर नेहरू कॉलोनी में एक महिला की 1 तारीख को चेन स्नैचिंग करी और 2 तारीख को रायवाला में करी। चूंकि उस दौरान पीक का कावड़ था और चेकिंग वगैरह संभव नहीं थी, लेकिन अभियुक्तगढ़ों की शिनाख्त की गई, टीम इसमें लगातार काम कर रही थी, 2-3 थाने की हमारी लगी थी और इसमें 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें एक का नाम गुरमीत है और एक विजेंदर है जो इन घटनाओं में शामिल है। इनसे नेहरू कॉलोनी और रायवाला की जो चेन लूटी गई थी वो बरामद हो गई है। इसमें 2 अन्य लोग प्रकाश में आए हैं जो साथ में इनके बदल बदल के टीम में आते थे, उनके लिए दबिश के लिए हमारी टीम में लगी हुई है, उनको भी तत्काल गिरफ्तार कर लिया जाएगा।